नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक्सपो कार चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त कार के बारे में जो कि नेक्सा की तरफ से आ रही है। जो आपको पता ही चल गया होगा कि सामने से लिखा हुआ फ्रॉन्क्स, तो फ्रॉन्क्स का सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वाला वेरियंट की आज बात करने वाले हैं। कौन सा वेरियंट है अभी बताते हैं, और कितने प्राइस में मिल रहा है और क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को देखते रहिए, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वाला वेरियंट आप इसको बोल सकते हैं। वेरिएंट का नाम है डेल्टा प्लस, और एक्सशोरूम कीमत की बात करें तो एक्सशोरूम कीमत है इसका अभी 8,72,500 इसका भी एक्सशोरूम कीमत है। और ऑन रोड की बात करूं तो ऑन रोड रुद्रपुर में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे आप चेकआउट कर लेना। वहां पे नंबर वगैरह, शोरूम की डिटेल्स वगैरह सब कुछ दे दिया है, वहां से आप ऑन रोड का पता कर सकते हैं। तो बाकी अब बात करते हैं यहाँ पे डिज़ाइन की। तो भाई अल्टीमेट डिज़ाइन का यहाँ पे आपको फ्रॉन्क्स का देखने को मिलता है। और रोड प्रेजेंस, भाई इसकी रोड प्रेजेंस की क्या ही बताएं, बहुत ही ज़बरदस्त इसका रोड प्रेजेंस है। और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको इसका ग्रिल दिखाते हैं। तो ग्रिल यहाँ पे दोस्तों कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलता है। क्रोम यहाँ पे लाइनिंग जो है आपको एक अट्रैक्टिव लुक देता है यहाँ पे। और यहाँ पे इसके सबसे पहले यहाँ पे हेडलैम्प की बात करें तो टॉप एंड का यहाँ पे हेडलैम्प मिल जाता है ट्राई एलईडी हेडलैम्प में, जो काफ़ी ज़बरदस्त रोशनी के साथ आपको यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे फॉग लैम्प पता ही है, कंपनियां रिमूव कर रही है। और यहाँ पे अगर आप इसका फ्रंट की स्किड प्लेटें देखेंगे तो सिल्वर स्किड प्लेटें आपको मिल जाती है। ऊपर वॉशर यूनिट, वाइपर्स कुछ इस टाइप से है। अब आपको साइड प्रोफाइल कार के दिखाते हैं। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे आपको कार का साइड प्रोफाइल आपको यहाँ पे मिल जाता है, देख सकते हैं। जब इस चलती है रोड पे बहुत बढ़िया यहाँ पे रोड प्रेजेंस देती है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको बताऊँ, इस वेरियंट में आपको दोस्तों अलॉय व्हील मिल जाता है ज़बरदस्त। आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में अलॉय व्हील मिलता है। और टायर की प्रोफाइल की बात करूँ तो 195/60R15 का यहाँ पे मिल जाता है, गुडियर्स के टायर मिल जाते हैं। ORVM आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, फोल्डेबल, टर्न इंडिकेटर, ORVM सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। तो है ना, वैल्यू फॉर मनी सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। ए पिलर बॉडी कलर में है, बी पिलर ब्लैक टेप्ड आउट है। बॉडी कलर के डोर हैंडल्स देख सकते हैं। रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलता है। फ्यूल टैंक की बात करूँ तो यहाँ पे 37 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे मिल जाता है। पेट्रोल ऑप्शन के साथ आता है ये ओनली। और यहाँ पे आप इसका रियर प्रोफाइल दिखा देते हैं तो ज़बरदस्त भाई, रियर का क्या ही कहना है, बहुत अट्रैक्टिव लुक आता है भाई। ये जो है ये कनेक्टेड वाला डिज़ाइन, इसकी वजह से काफ़ी अट्रैक्टिव लुक आता है, क्योंकि आजकल जो गाड़ियों में आ रही है अपडेट, हर गाड़ियों में कनेक्टेड वाला डिज़ाइन आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे इसका सिल्वर स्किड प्लेट है देखने को मिलता है, काफ़ी वाइड सी। और चार आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। और यहाँ पे रिफ्लेक्टर दोनों साइड में है HSRP की जगह। और यहाँ पे ये लाइट है भाई, ये बहुत बढ़िया लगती है जब ये ग्लो करती है। और टर्न इंडिकेटर भी यहाँ ही पे दिया गया है, और ब्रेक लाइट भी दोस्तों इसी में ही है। और यहाँ पे सुजुकी का लोगो। और दोस्तों कैमरा, कैमरा दोस्तों इस वेरियंट में नहीं दिया गया है, बाकी अंदर का भी दिखाएंगे अभी। और यहाँ पे आपको डिफॉगर देखने को मिल जाता है, ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैम्प, वो सबसे ऊपर शार्क फिन एंटीना। तो ये था दोस्तों इसका कार के रियर प्रोफाइल के बारे में। अब कार का जो है, अब दोस्तों बात करते हैं एक बार बूट, यहाँ पे बूट की। तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाता है, पार्सल ट्रे भी दिया गया है देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो है यहाँ पे लाइटें वगैरह नहीं है इस वेरियंट में। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हुक दिया गया है एक साइड में, और अच्छा खासा स्पेस है भाई, बढ़िया स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। बूट स्पेस दोस्तों इसमें आपको 308 लीटर का यहाँ पे मिल जाता है, बढ़िया है, ज़बरदस्त है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्पेयर व्हील आपको मिल जाता है, जो कि गुडेयर्स के टायर के साथ ही मिल रहा है। और प्रोफाइल इसमें है 195/60R16 का यहाँ पे मिल जाता है। तो ठीक है, बढ़िया है। अब करते हैं इसको बंद। अब आपको जो है इसका इंटीरियर दिखाते हैं, इंटीरियर दिखाते हैं। इंटीरियर दिखाने से पहले आपको एक बार कीज दिखा देते हैं। कीज़ कुछ इस टाइप से आपको मिल जाती है, देख सकते हैं। दोनों के दोनों आपको रिमोट की मिलता है, जिसमें आपको लॉक और अनलॉक का ऑप्शन के साथ मिलता है। डोर ओपन करने पे आपको सबसे पहले ये दिखेगा, एक ज़बरदस्त आपको इंटीरियर देखने को मिलता है, देख सकते हैं। यहाँ पे फैब्रिक में आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच मिल जाता है। और यहाँ पे चारों पावर विंडो, ड्राइवर वाला ऑटो डाउन के साथ, और यहाँ पे सेंटर लॉकिंग वाला बटन, विंडो लॉक करने वाला है, फोल्डेबल एडजस्टेबल। यहाँ पे भी देख सकते हैं बढ़िया फिनिशिंग की गई है, अलग अलग जो कलर थीम के साथ यहाँ पे की गई है, जो बहुत बढ़िया लग रही है। बॉटल होल्डर यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, 1 लीटर के आसपास में आ जाएगा इसके अंदर। स्पीकर ग्रिल्स। और यहाँ पे सीट अगर आप देखेंगे
तो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन यहाँ पे आपको सीट देखने को मिलता है, फैब्रिक में है, ड्यूअल टोन कलर के साथ आपको मिलता है। सीट दोस्तों फिक्स है, यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलता है, बट इसके जो हेडरेस्ट है वो आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं। अंदर बैठते हैं एक बार, फिर आपको दिखाते हैं। भाई स्टेयरिंग यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको मिल जाता है, देख सकते हैं ज़बरदस्त यहाँ पे डिज़ाइन के साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है स्टेयरिंग। यहाँ पे कॉलिंग के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं, म्यूज़िक के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। स्टेयरिंग दोस्तों आपको टिल्ट मिल जाता है, अप डाउन हो जाता है, टेलीस्कोपिक नहीं आता है, वाइपर वाले फंक्शन इधर को, और यहाँ पे आपको जो है हेडलाइट के फंक्शन मिल जाता है और ऑटोमेटिक हेडलाइट के साथ मिलता है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रैक्शन डिसेबल करने वाला बटन वाइड आपको मिल जाता है, इसका मतलब आपको इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है। आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर मिल जाता है, ये आपका हेडलैम्प लेवल करने वाला बटन हो गया। इधर से आप बूट ओपन कर सकते हो, फ्यूल लीड ओपन करने के लिए थोड़ा सा स्पेस यहाँ मिल जाता है, कुछ कॉइन्स वगैरह आप यहीं पे रख सकते हैं। अब एक बार आपको इसका डिस्प्ले दिखा देता हूँ ऑन करके। तो भाई कुछ इस टाइप से यहाँ पे ऑन होता है, देख सकते हैं भाई ज़बरदस्त। इसमें आपको एक बीच में डिजिटल डिस्प्ले, उसके अंदर देख सकते हैं कौन सा डोर खुला हुआ है वो भी आपको दिखाएगा, और बाकी यहाँ पे ये जो है अपना पेट्रोल वाला दिखा रहा है इधर Good इधर evening. टेम्परेचर के लिए, Fuel और level is low. Please fill the tank immediately. देख रहे हैं यहाँ पे ये भी आपको सुनाई देने वाला है, मतलब इसमें वॉइस वाला जो असिस्टेंट है वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है, काफ़ी ज़बरदस्त है। बाकी दोनों के दोनों एनालॉग मीटर मिलता है, जो टैकोमीटर स्पीडोमीटर होता है, और बाकी यहाँ पे जो छोटे मोटे जो सिंबल्स आते हैं वो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम ज़बरदस्त आपको यहाँ पे मिल जाता है, देख सकते हैं आपको डिसेंट सा आपको यहाँ पे क्वालिटी मिल जाएगी, साउंड क्वालिटी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एसी वेंट आपको यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कार्बन फिनिशिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो डिज़ाइन यहाँ पे की गई है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यूएसबी वाला पॉइंट, इधर आपका जो है 12 वोल्ट वाला पॉइंट, और यहाँ पे ग्लास वगैरह रखने के लिए, यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए। और ये रहा इसका जो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे लेदर लेदर यूज़ की गई है, यहाँ पर भी देख सकते हैं टेक्सचर यूज़ की है कार्बन फिनिशिंग वाला, और यहाँ पे हैंड ब्रेक, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, और यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस दिया गया है। यहाँ इसका डैशबोर्ड देखेंगे ना भाई, कितना ज़बरदस्त यहाँ पे डैशबोर्ड लग रहा है, देख सकते हैं काफ़ी, मतलब जो है अलग अलग थीम के ऊपर यहाँ पे की गई है, मतलब जो डिज़ाइन की गई है ज़बरदस्त लग रही है भाई। यहाँ पे देख सकते हैं सिल्वर फिनिशिंग है, यहाँ पे मैट सिल्वर है, यहाँ पे जो है अपना जो जिसका कलर है कलर थीम का इसमें आपको देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से डैशबोर्ड है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैनुअली एडजस्टेबल IRBM आ रहा है, और ये रहा इसका जो है लाइटें जो कि हाइलोजन में है। इधर अगर आप देखेंगे तो वैनिटी मिरर मिल जाता है, और इस साइड में आपको जो है प्लेन आपको सनवाइजर मिलता है, लाइट एक एक्स्ट्रा यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है। और सेफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे आपको जो है दो दो आपको एयरबैग्स देखने को मिलता है, एक आपको ड्राइवर साइड में, एक पैसेंजर साइड में, और सीटों के साइड में दोस्तों नहीं है, तो आपको जो है दो ही एयरबैग्स देखने को मिल रहा है इस वेरिएंट में। कार का अब आपको एक बार रियर दिखा देते हैं, रियर इंटीरियर कैसा कुछ है, क्या क्या दिया गया है। सीट को मैंने पूरा पीछे कर लिया था, थोड़ा सा आगे कर लिया, डोर मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है, जो फैब्रिक में दिया गया है। पावर विंडो वाला बटन, यहाँ पे लॉक वाला बटन इस टाइप से है, यहाँ पे बॉटल होल्डर मिल जाता है, स्पीकर ग्रिल दिया गया है। सीटें देखेंगे अच्छा खासा यहाँ पे मिल जाता है, और सीट जो है यहाँ पे आपको तीन तीन हेडरेस्ट के साथ मिलता है, क्योंकि ये 5 सीटर कार है इसलिए आपको तीन हेडरेस्ट जो है मैंडेटरी हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पे आपको तीन तीन हेडरेस्ट आपको मिल रहा है। सीटें जो है आपको 60-40 स्प्लिट करने के साथ मिलती है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और जो है अपना यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्पेस थोड़ा सा, और यहाँ पे 12 वोल्ट के लिए आउटपुट दिया गया है, आप जैसे चार्जिंग वगैरह कुछ करना है तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों इसका रियर इंटीरियर, अब आपको एक बार बूट दिखा देते हैं कार की। अब बात करते हैं कार के इंजन की, तो यहाँ पे भाई ज़बरदस्त यहाँ पे जो है बोनट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर इंसुलेशन की गई है, और यहाँ पे ज़बरदस्त आपको यहाँ पे 4 सिलेंडर वाला 1.2 लीटर के साथ आपको यहाँ पे इंजन मिल जाता है। जिसमें पावर की बात करूँ तो यहाँ पे पावर आपको अच्छा खासा आपको मिल जाता है,
भाई पावर की बात करूं तो इस इंजन में आपको 90 PS का पावर, दमदार आपको यहाँ पे पावर देखने को मिल जाता है। और टॉर्क की बात करूं तो 113 Nm का टॉर्क मिल जाता है। और माइलेज की बात करूं इस इंजन में तो ARAI जो माइलेज है वो 20 KMPL का आपको माइलेज क्लेम कर रही है। तो मेरे हिसाब से जो 20 KMPL का माइलेज है वो बहुत ही बेहतरीन है। जो ये SUV सेगमेंट के कार में आपको 20 का माइलेज मिल रहा है, वो भी पेट्रोल में, तो यहाँ पे इस हिसाब से काफ़ी बेहतरीन कार मुझे लगती है। और आपको कैसी लगी ये कार मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको अगर अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।